ओ से मॉड्यूलेशन और डीईएम से डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। दिस इज़ अ डिवाइस डेट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इनटू एन एनालॉग फॉर्म डेट इज़ कॉल्ड मॉड्यूलेशन एंड देन सेंड ओवर द टेलीफोन लाइन और रिसीव एंड देन ऑन द रिसीवर साइड द एनालॉग सिग्नल्स आर कन्वर्टेड बैक इनटू द डिजिटल सिग्नल, दिस इज़ कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। उसके बाद वो फोन लाइन पर ट्रेवल किए जाते हैं सिग्नल, और एट द रिसीविंग साइड क्या होता है, एनालॉग सिग्नल बैक इनटू डिजिटल सिग्नल्स में जाते हैं, दिस इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। इट एनेबल्स यूजर्स टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर बाय यूजिंग स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस इंस्टेड ऑफ स्पेशल कम्युनिकेशन लाइन सच एज फाइबर ऑप्टिक और केबल। इसमें हम ज़्यादातर टेलीफोन्स का इस्तेमाल करते हैं जो कैरी करते हैं एनालॉग सिग्नल्स को। तो इसमें आपके सामने एक सिनेरियो है, एक वर्क स्टेशन है, ठीक है, या कंप्यूटर हम कह लें, ठीक है। उसके साथ मॉडम अटैच है। अब ये मॉडम क्या कर रहा है, मॉडम क्या कर रहा है, ये कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा है वो डिजिटल बिट्स में है, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में है। वो डिजिटल सिग्नल्स जो हैं वो मॉडम उसको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और ट्रांसफ़र कर देगा थ्रू टेलीफोन नेटवर्क, और उसके बाद जब वो रिसीविंग साइड पर पहुंचेगा तो उधर भी मॉडम है। मॉडम रिसीविंग साइड वाला मॉडम क्या करेगा, उसको बैक इनटू डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट करेगा एनालॉग सिग्नल्स को। उसके बाद जो रिसीविंग कंप्यूटर है वो उसको रिसीव करेगा। तो इट मींस के सेंटर साइड पे मॉड्यूलेशन हो रही है और रिसीविंग साइड पे डीमॉड्यूलेशन होता है। मॉडम में दोनों कैपेसिटी है, मॉड्यूलेशन की भी है और डीमॉड्यूलेशन की भी है। जब जहाँ पे डेटा मॉड्यूलेट हुआ है वो रिसीविंग साइड पे डीमॉड्यूलेट हो जाएगा, डीमॉड्यूलेशन हो जाएगी इसकी। अब फर्दर हम जो है वो इसकी खसूसियात की तरफ जाते हैं। ट्रांसमिशन रेट जो मॉडम का होता है वो हाई स्पीड भी होता है, लो स्पीड भी होता है, ठीक है। ये हाई स्पीड और लो स्पीड जो डिपेंड कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड गुजर रहे हैं स्पेसिफिक डिवाइस से, कितने नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये कितने नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड जो है वो रिसीविंग साइड पे रिसीव हो रहे हैं, उसकी बुनियाद पे इसका ट्रांसमिशन रेट निकलेगा। स्पीड क्या है, स्पीड ये है कि जो डेटा है इस तकनीक में, जो डेटा इनकोड होता है डिजिटल फॉर्म में होता है कंप्यूटर में, उसके बाद इनकोडिंग होती है और वो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और वो मॉड्यूलेशन का प्रोसेस होता है। तो वेरियस मॉड्यूलेशन स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि इनकोडिंग प्रोवाइड करते हैं, और उसकी बेस पे जो है डेटा की ट्रांसफ़र स्पीड निकाली जाती है। दी रॉ स्पीड जो होती है मॉडम की वो डिटरमिन की जाती है मॉड्यूलेशन स्टैंडर्ड्स पे। जो 2400 बिट्स पर सेकंड मॉडम है उसके साथ विद डेटा कंप्रेशन डेट, वो आमतौर पे उसकी जो आउटपुट होती है, थ्रोपुट जो होती है, जो बेसिकली आउटपुट के तौर पे निकालता है, वो कितना पैदा कर रहा है, 9600 बिट्स पर सेकंड पैदा कर रहा है। लेकिन अगर वो इतनी पैदा कर रहा है तो वो हाई स्पीड मॉडम नहीं है। हाई स्पीड मॉडम जो है वो बेसिकली 9600 बिट्स पर सेकंड से ज़्यादा या इससे भी कहीं ज़्यादा पैदा करेगा, तो फिर वो हाई स्पीड मॉडम कहलाएगा। ये बेसिकली दो खसूसियात हैं, एक है उसकी ट्रांसमिशन रेट। ट्रांसमिशन रेट क्या बताता है कि उसका ट्रांसफ़र करने का रेट, बिट्स पर सेकंड ट्रांसफ़र करने का रेट कितना है ट्रांसमिटिंग साइड पे और रिसीविंग साइड पे। और स्पीड क्या बताती है कि जो मॉड्यूलेशन पे डिपेंड करती है कि कितनी जो है स्पीड इनकोडिंग के दौरान डेटा जो इनकोड हो रहा है कितनी स्पीड है मॉडम जो है डिटरमिन कर रहा है। और इसकी स्पीड अगर 9600 बिट्स पर सेकंड से कम है तो या इतनी है तो ये मॉडम हाई स्पीड नहीं है। अगर इसकी स्पीड जो है 9600 बिट्स पर सेकंड या इससे ज़्यादा है तो फिर ये मॉडम हाई स्पीड मॉडम है। फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडम कौन कौन सी हैं, टाइप्स ऑफ मॉडम्स, मॉडम को हम कैटेगराइज करते हैं थ्री डिफरेंट टाइप्स में। एक हमारे पास होता है एक्सटर्नल मॉडम, ठीक है, एक होता है हमारे पास इंटरनल मॉडम, और एक हमारे पास होता है वायरलेस मॉडम, ठीक है। जो एक्सटर्नल मॉडम होता है वो बेसिकली कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, लेकिन उसके साथ टेलीफोन लाइंस या टेलीफोन केबल भी अटैच होती है, ठीक है। एक्सटर्नल मॉडम में हम क्या कहते हैं, जो हमारे कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट है एक्सटर्नल मॉडम उसके साथ अटैच होता है, एज एन एक्सटर्नल वायर को वो यूज़ करता है, टेलीफोन वायर
एक्सटर्नल वायर के थ्रू अटैच होता है, ठीक है, एक्सटर्नल डिवाइस होती है और उसके साथ फिर टेलीफोन की केबल होती है, यानी कि एक केबल है वो अटैच होती है टेलीफोन वायर के साथ, दूसरी केबल जो है उसका दूसरा जो पॉइंट है वो अटैच होता है मॉडम के साथ, और जो मॉडम है वो फर्दर अटैच होता है सिस्टम यूनिट के साथ। द मॉडम इज़ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट विच इज़ कनेक्टेड टू द पीसी। अब जो मॉडम है वो पीसी के साथ या फिर सिस्टम यूनिट के साथ कैसे कनेक्टेड होता है, कौन सी सीरियल पोर्ट से, वो कॉम वन एंड कॉम टू की सीरियल पोर्ट से अटैच होता है, ठीक है, और इट नीड्स एन एक्स्ट्रा एक्सटर्नल पावर सप्लाई की भी ज़रूरत होती है इसको सेटअप करने के लिए। उसके बाद जो हमारे पास होता है इंटरनल मॉडम, इंटरनल मॉडम जो अंदर का सिस्टम यूनिट है, सिस्टम यूनिट के अंदर जो उसका मदर बोर्ड है उसके साथ कनेक्टेड होता है, जिसको सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं। तो डेट इज़ बेसिकली डेट कैन बी एडिड टू द सिस्टम यूनिट थ्रू एन एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट की मदद से ये ऐड होता है और इसको हम इजीली मूव नहीं कर सकते एक पीसी से दूसरे पीसी तक, क्योंकि सिस्टम के अंदर हम इसको पुट करते हैं, लेकिन हम निकाल सकते हैं और इसको कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू सेटअप देन अदर टाइप्स ऑफ मॉडम। इंटरनल मॉडम जो है आमतौर पे हम सिस्टम यूनिट के अंदर प्लेस करवाते हैं उसके स्पेसिफिकेशन में, जो कि उसकी एक्सपेंशन स्लॉट के साथ वो अटैच कर देते हैं सिस्टम यूनिट के। उसके बाद जो थर्ड टाइप है डेट इज़ ऑफ वायरलेस मॉडम। इंटरनल मॉडम हम पढ़ चुके हैं, वायरलेस मॉडम क्या होता है? वायरलेस मॉडम वो मॉडम होता है जो ट्रांसमिट करता है डेटा सिग्नल थ्रू दी एयर। वायरलेस होता है यानी कि वायर के बगैर होता है, जाहिर सी बात है इसमें एयर की टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, ठीक है, इसमें जो है वो हम जो है वायरलेस सिस्टम लगाएंगे, मॉडम वायरलेस होता है जो इसमें केबल की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसको हम रेडियो फ्रिक्वेंसी मॉडम भी बोलते हैं। तो ये इस तरह से काम करता है कि इसको हम मोबाइल फ़ोन में भी इस मॉडम के सिग्नल्स जो है मोबाइल फ़ोन को में भी यूज़ कर सकते हैं, और जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं जिसे हम लैंस भी बोलते हैं, जिसमें मुख्तलिफ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, उनमें भी हम इन मॉडम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडम पढ़े हैं, एक हमने पढ़ा है एक्सटर्नल मॉडम, फिर हमने पढ़ा है जो हमारी सेकेंड टाइप है डेट इज़ ऑफ इंटरनल मॉडम, और एक हमने पढ़ा है वायरलेस मॉडम। इसमें जो बेसिकली हम मॉडम्स को पढ़ने जा रहे हैं, जो एक्सटर्नल मॉडम है वो हम वायर के थ्रू एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं, एक साइड पे हमारा टेलीफोन अटैच होता है, दूसरी साइड पे जो है वो पीसी के साथ कॉम वन या कॉम टू जो भी पोर्ट है उसके साथ वो सिस्टम यूनिट के साथ अटैच होता है। इंटरनल मॉडम जो होता है ये इंटरनल कार्ड जो होता है मॉडम का सर्किट बोर्ड के साथ वो अटैच होता है, ये मदर बोर्ड होता है, एक्सपेंशन स्लॉट के थ्रू वो अटैच कर दिया जाता है, वो ज़रा निकालना डिफ़िकल्ट होता है, उसको इजीली मूव नहीं किया जा सकता एक जगह से दूसरी जगह। और जो थर्ड टाइप है वो वायरलेस मॉडम की है। वायरलेस मॉडम जो है इसमें हमें केबल की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसे रेडियो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, और ये वायरलेसली जो है वो एक वायरलेसली जो है मोबाइल डिवाइसेस में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके ज़रिए से लोकल एरिया नेटवर्क को भी आपस में कनेक्ट किया जा सकता है, जैसे कि आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं इनको। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।